इस समय नई दिल्ली से कटरा की तरफ जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड में चल रही है। इस समय की अगर हम बात करें तो स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी पहाड़ पर भी स्पीड इसकी अच्छी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर के नज़ारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जिनसे आप बाहर के नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर खिड़की के पास आकर आप दिखाएं कि किस तरीके के नज़ारे बाहर दिख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बारिश हो रही है और बारिश की वजह से थोड़ा सा जो व्यू है वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, लेकिन फिर भी जो नज़ारा है बिल्कुल अलग है, क्योंकि नीचे नदियां हैं और साथ ही साथ जंगल हैं आसपास के और उनको देखा जा सकता है। और ये बड़ी तेज़ी से गाड़ी कटरा की तरफ जा रही है, माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम सुविधाओं की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं हर एक जो भी सीट है एग्जीक्यूटिव क्लास की, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हाथ को रखने के लिए भी एक तरीके से हैंड रेस्ट है, और लेग रेस्ट की अगर हम बात करें तो लेग रेस्ट भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दो सीटों के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो स्पेस अच्छा खासा है। और इसके अलावा हम बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर खाना रखने के लिए एक तरीके से एक स्पेस दिया गया है, एक ट्रे दी गई है जिस पर आप आसानी से अपना खाना रख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर और चीज़ें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग लाइट्स हैं, रीडिंग लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, और रीडिंग लाइट्स टच रीडिंग लाइट्स हैं, टच LED है, मतलब इसको आप टच करोगे तो ये जलेगी और टच करने पर ही बंद हो जाएगी। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीटें हैं ये खास तरीके की सीटें हैं, इनको आप जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और इसके लिए नीचे एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक लीवर दिया हुआ है जिससे आप घुमा सकते हैं, इसको दबाइए और उसके बाद जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं सीटों का जोड़ा है ये पूरी तरीके से मुड़ जाएगा और आप अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो यहाँ बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि सफ़र का आनंद बड़े मज़े से लिया जा सकता है, क्योंकि अगर चार लोग आप साथ साथ के हैं, आमने सामने बैठकर सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर सामान रखने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम ऊपर की बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें खास तरीके की कोटिंग दी गई है, और साथ ही साथ जो इसकी कलर स्कीम है वो इस तरीके की डिज़ाइन की गई है जो आँखों के लिए सूदिंग हो। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ब्रेल लिपि का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी दृष्टिबाधित जो लोग हैं जिनकी जिनको देखने में दिक्कत होती है उनके लिए भी यहाँ हम कह सकते हैं सोचा गया है कि हाँ उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाए। और इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ ये ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है, और नई दिल्ली से कटरा के बीच जब ये ट्रेन चलेगी तो ये सफ़र महज 8 घंटे में पूरा होगा। 8 घंटे में पूरा होगा, ये वाकई आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो 11 घंटे 40 मिनट के का जो है मिनिमम टाइम है नई दिल्ली से कटरा तक आने का, उसमें एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कमी आने जा रही है, क्योंकि 4 घंटे की कमी एक अच्छी खासी कमी है। सुबह 6 बजे चलिए और 2 बजे दोपहर तक जो है कटरा पहुंच जाइए, और उसके बाद 3 बजे चल के रात को 11 बजे वापस नई दिल्ली, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर सुविधा है, एक अच्छी सुविधा है, और इसको आने वाले दिनों में लोग हाथों हाथ लेंगे ऐसा कहा जा सकता है।